हाय फ्रेंड्स, आज के डेट में लगभग हर घर में एक या एक से ज्यादा टू व्हीलर है और लगभग सभी लोग अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस भी कराते हैं। कुछ लोग इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि उनका मानना है कि इंश्योरेंस कराना अच्छा रहता है, इसलिए करा लो। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी, इसलिए करा लो। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि उनकी जो टू व्हीलर जैसे कि स्कूटी, स्कूटर, बाइक इत्यादि, मतलब कोई भी दुपहिया वाहन की जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो क्या क्या कवर करती है। टू व्हीलर की मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, ओन डैमेज इंश्योरेंस क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं मालूम कि वाहन का जो मालिक होता है उसका टू व्हीलर इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत 15 लाख का दुर्घटना का बीमा होता है। यदि आप भी टू व्हीलर पॉलिसी से जुड़े इन तथ्यों को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको इसकी जानकारी पहले से है तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका इंश्योरेंस टेक्निकल पर बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं। पहली होती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जो कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को कवर करती है। इन शॉर्ट, आपकी बाइक से किसी और का नुकसान होता है वह, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे ओन डैमेज कहते हैं। यदि आपकी बाइक को कुछ डैमेज होता है या बाइक चोरी होती है तो यह ओन डैमेज सेक्शन के अंतर्गत कवर होता है। जब आप वैसी पॉलिसी लेते हैं जिसमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और ओन डैमेज दोनों की कवरेज होती है, उसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में, जिसे एक्ट ओनली पॉलिसी या टीपी इंश्योरेंस भी कहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार यह पॉलिसी लेना कंपलसरी है। यदि आप किसी भी प्रकार के वाहन के मालिक हैं तो आपको यह पॉलिसी लेनी ही होती है, और यह नियम टू व्हीलर पर भी लागू होती है। यदि आपके पास यह पॉलिसी नहीं होती है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को कवर करती है, अर्थात आपके टू व्हीलर से किसी और की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, या किसी की कार या टू व्हीलर डैमेज हो जाती है, या आपकी टू व्हीलर से किसी को चोट आती है, किसी की डेथ हो जाती है, और इस कारण आपके ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी आती है, तो आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की पॉलिसी आपके लीगल लाइबिलिटी को कवर करेगी। यहाँ पर ध्यान दें, लीगल लाइबिलिटी अर्थात आपका मैटर कोर्ट में गया है और कोर्ट ने आपको वो अमाउंट पे करने को कहा है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पॉलिसी में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की लिमिट भी होती है। वर्तमान में थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज के लिए यह लिमिट 7,50,000 रुपए है, अर्थात यदि आपकी बाइक या स्कूटी या जो भी टू व्हीलर आपके पास है उससे किसी और की प्रॉपर्टी, कार, बाइक इत्यादि डैमेज होती है तो 7,50,000 तक के डैमेज को आपकी पॉलिसी कवर करती है। लेकिन लाइफ के केस में यह अनलिमिटेड है, अर्थात आपकी बाइक से किसी और को चोट आती है या किसी की डेथ हुई है और इस कारण आपके ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी आती है, इस केस में आपकी पॉलिसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी को कवर करती है। इस थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक और सेक्शन होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर। ओनर ड्राइवर का मतलब जिसके नाम पर गाड़ी हो और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। इस तरह के ओनर ड्राइवर के लिए टू व्हीलर इंश्योरेंस की पॉलिसी में 15 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। जी हाँ दोस्तों, 15 लाख का। पहले यह कवरेज सिर्फ 1 लाख की थी, लेकिन 2019 में ही इसे बढ़ाकर 15 लाख कंपलसरी कर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। मोटर इंश्योरेंस की जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि वाहन मालिक के साथ वाहन चलाते समय यदि कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके घर वालों को 15 लाख का मुआवजा कैसे दिलाएं। इस थर्ड पार्टी पॉलिसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि आपकी बाइक को कवर नहीं करती, अर्थात आपकी बाइक को कोई डैमेज हो जाए या चोरी हो जाए तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसकी कवरेज आपके ओन डैमेज सेक्शन के अंतर्गत मिलती है, जिसके अंतर्गत यदि आपकी बाइक चोरी हो जाती है या बाइक का कोई पार्ट जैसे कि टायर चोरी हो जाती है तो आपको कवरेज प्रदान करेगी।
यदि आपकी बाइक किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है, तो आपकी बाइक को नुकसान यदि आग पकड़ने की वजह से होता है, तो यदि लाइटनिंग से आपकी बाइक डैमेज होती है तो यह कवरेज प्रोवाइड करती है, या दंगे या हड़ताल में आपकी बाइक को नुकसान पहुंचता है तो भी कवर है। यदि आपकी बाइक को नुकसान किसी आंधी, तूफान, बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर से पहुंचती है तो भी आपकी बाइक को कवरेज मिलती है। किसी मलेशियस एक्ट अर्थात जानबूझकर आपके टू व्हीलर को किसी ने डैमेज कर दिया हो, तो किसी आतंकी हमले में आपकी बाइक को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो यदि आपकी बाइक को नुकसान किसी ट्रांजिट में पहुंचा हो, तो जैसे रेल या रोड या इनलैंड वाटर या एयर, किसी भी मोड से ट्रांजिट के दौरान कुछ हुआ हो तो भी कवरेज मिलती है। यदि आपकी बाइक को नुकसान लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड की वजह से हुआ हो या किसी एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन से आपकी बाइक डैमेज हुई हो, तो इन सारी चीजों से हुए नुकसान को आपकी टू व्हीलर इंश्योरेंस की पॉलिसी कवर करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के डेट में थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, ओन डैमेज इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर, ये तीनों अलग अलग पॉलिसी के रूप में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, यह थी आपके बाइक इंश्योरेंस के कवरेज की जानकारी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 15 लाख पर्सनल एक्सीडेंट कवर टू ओनर ड्राइवर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि अनहोनी होने के बाद वाहन मालिक के परिवार को 15 लाख का मुआवजा दिलाने का प्रोसेस क्या होता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी में क्लेम कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे कम से कम दो लोगों को जरूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, इससे जुड़ा कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।